Hello students. Today I am going to discuss question answer previous, previous year question answer of computer science and application for Army Public School. As you know that the recruitment of Army Public School is came already, so we will discuss the previous year question now of computer science. So here you can see we have the question. The question number one is. फॉलोइंग एनवायरमेंट डेटा इज हेल्ड इन कंप्यूटर फाइल कौन से डेटा टेम्पर होता है इट्स इन बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग और नन ऑफ दीज तो हमने दो कॉन्सेप्ट सुने बैच प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग सो द एंसर विल बी ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग डेटा टेम्प्ररी कंप्यूटर फाइल में होता है जैसे आजकल हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं हम लोग ड्राइव में या फोटोस में फोटो सेव करते हैं दैट इज एनवायरनमेंट दैट इज अ वर्चुअल एनवायरमेंट वेयर वी आर स्टोरिंग आवर डेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वी हैव प्लस प्रोग्राम वेयर वी हैवी है z इक्वल टू फाइव तीनों इंटीजर डेटा टाइप है यहाँ पे इफ लूप लगाया गया है इफ लूप इफ इफ स्टेटमेंट x इज ग्रेटर तो x 5 है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि x y तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे क्या हो जाएगा हमने प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर पढ़ाया है पहले तो z प्लस इक्वल्स टू वन अगर ये सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तो ये लास्ट वाला में इक्वल हो जा रहा z जेड इज इक्वल टू ये सारे कंडीशन अगर ट्रू होते हैं तो z प्लस इक्वल्स टू वन मतलब z इक्वल्स टू जेड प्लस वन प्रीफिक्स ऑपरेटर पोस्टफिक्स ऑपरेटर कैसे एग्जीक्यूट होता है मैंने आपको पहले बताया है z प्लस इक्वल्स

तो so, z सेवन एन प्लस टू हो जाएगा तो सो so, so, हमारा आंसर होगा ये वाला दैट इज टेन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन जावा विच ऑफ दीज डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट then command line argument we use we are using in string integer kya hai data type hai stack kya hai stack aur queue hum log padhte hain stack queue jisme queue mein hota hai first in first out fifo ka concept and stack mein hota hai lifo ka concept to yahan pe hum command line argument use nahi karte हम string में use करते हैं command line argument and string and array क्या है दोनों data structure है which is जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं इंडेक्स वाइज बट स्ट्रिंग में क्या है जो लास्ट एलिमेंट होता है फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर नीडेड टू सेटिस्फाई यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट सो नाउ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट वी हैव द सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर दैट इज डेस्कटॉप पब्लिसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाउ सेटिस्फाई यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट सो वी हैव द ऑप्शन डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सो सिस्टम सॉफ्टवेयरवे सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा ऑल द अदर सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट दिस्टम सॉफ्टवेयर इज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऑल द अदर सॉफ्टवेयर में कौन कौन आ जाएगा वी हैव एम एस ऑफिस पैकेज

तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा स्वैपिंग जैसे एक्वल्स टू बी बीवल्स टू सी एंड सी टू ए तो इसका मतलब होता है कि ए और बी और सी में एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू मतलब दोनों में सेम वैल्यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट वन आर कंसिडर टू बी द सेम ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज नंबर ऑफ स्वेपिंग नीडेड टू शॉर्ट द नंबर एट ट्वेंटी टू सेवन नाइनटीन थर्टीन फाइव थर्टीन इन बबल तो यह आंसर में होगा कैसे होगा bubble sort. Bubble sort में क्या होता है बबल शॉर्ट में हम डेटा को शॉर्ट करते हैं फर्स्ट टू एलिमेंट जैसे यहाँ पे फर्स्ट टू एलिमेंट है एट और ट्वेंटी टू तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एट जो है लोएस्ट एलिमेंट एंड ट्वेंटी टू जो है हाइस्ट एलिमेंट है तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे फिर क्या होगा ट्वेंटी टू एंड सेवन ट्वेंटी टू एंड सेवन में कौन लोएस्ट है 7 है. तो 7 हो जाएगा, 7 यहां आ जाएगा, 22 यहां जाएगा. आ चला तो बबल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट में हम दो दो एलिमेंट को शॉर्ट करते हैं टाइम तो यहाँ पे लगभग अप्रोक्स जब मैंने किया तो यहाँ पे फोर्टीन शॉर्ट हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टेबल में क्या होता है थ्रू टेबल में सम ऑफ प्रोडक्ट भी होता है कान ऑफ मैप भी होता है प्रोडक्ट ऑफ सम भी होता है बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स समूथ टेबल का यूज करते हैं हम यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम करेंगे उसका प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैप एक मैप होता है जो हम ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन हमारे बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है तो यहाँ पे ऑल ऑफ द आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ इफ अ क्लॉक आउटपुट ऑफ द फाइनल स्टेज विल बी डिस्प्लेड बाय अगर एक क्लॉक है जिसमें टाइम पीरियड टी है यूज़ होता है कहाँ पे एन स्टेज शिफ्ट रजिस्टर में तो हम जब कंप्यूटर एरिथमेटिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रजिस्टर्स में हम फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स इनकोडर्स डिकोडर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम जब ऐसा यूज़ करेंगे तो आउटपुट जो आएगा फाइनल स्टेज का वो कैसे डिस्प्ले होगा तो वो डिस्प्ले होगा एन माइनस वन टी सेकेंड ये फार्मूला है एन माइनस वन टी सेकेंड ये हमें याद रखना है

बोध सर्च आर यूज टू सर्च द एलिमेंट बट इन द केस ऑफ लीनियर सर्च हम क्या करते हैं आइटम को सीक्वेंसली सर्च करते हैं लीनियर सर्च में हम आइटम को वन बाई वन सर्च करते हैं ऑन द अदर हैंड बाइनरी सर्च में हम लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और बाइनरी सर्च का ये क्राइटेरिया भी है कि द लिस्ट हैज़ टू बी सॉर्टेड ऑन द अदर हैंड लीनियर सर्च में सॉर्टेड नहीं होता हमें उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ती है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग तो हमें पता है क्विक सॉर्ट जो है वो फास्टेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है और हमें पता है सबसे स्लोएस्ट कौन है बबल सॉर्ट क्योंकि हम दो दो एलिमेंट करके सॉर्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच टैग कैन हैंडल माउस इवेंट इन नेटस्केप तो यहाँ पे ये लाइन ब्रेक है ये इमेज टैग है ये एंकर टैग है तो आंसर होगा लाइन ब्रेक लाइन ब्रेक टैग जो है वो माउस इवेंट को हैंडल करता है नेटस्केप में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज जनरली जब हम एस टी एम एल टैग पढ़ते हैं तो हम ये सब नहीं पढ़ते हैं कि नेटस्केप को कौन हैंडल करता है हम बस पढ़ते हैं कि इमेज का क्या सिंटेक्स है एंकर टैग का क्या सिंटैक्स है कैसे यूज़ करता है कहाँ पे हम एंकर टैग लगाते हैं इमेज का पाथ हम कैसे डालते हैं एस आर सी का क्या मतलब होता है तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है

प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच ये सी प्लस प्लस में यूज होता है वर्ड मेन हम यूज़ करते हैं दिस इज अ मेथड फिर प्रोग्राम स्टार्ट होता है वी आर टेकिंग एक्स एज ए अरे वेयर वी आर इनसलाइजिंग फोर वैल्यूज हम चार वैल्यूज ले रहे हैं वन टू एंड थ्री एंड फोर हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं हम जानते हैं दो टाइप का डेटा टाइप होता है डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिक एंड डायनेमिक एंड स्टार्टिक में अरे अरे होता है एंड डायनेमिक uh, में हमारे पास लिंक लिस्ट होता है लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर का उसको रिप्रेजेंट करो तो पी में क्या होगा इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड इक्वल्स टू एम टी तो सी आउट में हमें यहाँ दिखाना है प्लस प्लस पी क्यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यू एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टी प्लस, प्लस प्लस तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वन टू थ्री टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ हैथरिटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड इन एस आर तो एस आर फ्लॉप में कौन सा कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं होता है क्या एस इक्वल टू जीरो क्या एस इक्वल टू आर इक्वल टू वन क्या एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू वन तो आंसर होगा एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू वन नहीं होता जबकि ये दोनों होता है जीरो 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 वन वन जीरो तो त्रुट टेबल में हम ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जीरो जीरो जीरो

of the current process the group ID of the current process none of the above so the answer will be four none of the all uh, the answer will be four that is <coughs> none of the above class derive public base one public base two is an example of ये जो है कौन सा इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत सारे इनहेरिटेंस होते हैं हायरेरिकल इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिक इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी लेबल इन्हेरीटेंस तो पॉलीमॉर्फिक इनहेरिटेंस तो नहीं होता हायरेरिकल मल्टीपल एंड मल्टीलेबल इनहेरिटेंस ये कोर जावा का तीन कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस तीन टाइप के होते हैं हायरेरिकल मल्टीपल मल्टीलेबल तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है पब्लिक बेस वन बेस टू बेस वन बेस टू और एक डिराइव क्लास बेस वन बेस टू और एक डिराइव क्लास तो अगर बेस टू बेस वन के नीचे है तो बेस टू भी इसका डिराइव क्लास हो जाएगा तो सो द करेक्ट आंसर विल बी मल्टीपल इनहेरिटेंस सो नेक्स्ट फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप यू विल अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच एंड फॉर फर्दर वीडियो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच